सचिन पायलट लोगों के बीच जैसे ही आए, प्यार उमर उठा, लोग टूट पड़े, कांग्रेस झूम उठा और यह देखकर बीजेपी दंग रह गया। बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने बुधवार को कहा कि पिछले साल जयपुर में तत्कालीन विधायक दल की बैठक में भाग लेकर तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के निर्देश की अवहेलना करने वाले नेताओं के खिलाफ कार्यवाही में अत्यधिक विलम्ब हो रहा है। अगर हर 5 साल में सरकार बदलने की परंपरा बदलनी है तो राज्य संस्थान में कांग्रेस से जुड़े और इस मामले पर जल्द फैसला करना होगा, क्योंकि अनुशासन और पार्टी के रूप का अनुपालन सभी के लिए समान है, व्यक्ति बड़ा हो या छोटा। दरअसल सचिन पायलट ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा, अनुशासनात्मक समिति तत्कालीन पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी के खिलाफ अवहेलना के संबंध में विलंब निर्णय का सबसे अच्छा जवाब दे सकते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी माने जाने वाले 3 नेताओं को 4 महीने पहले कारण बताओ नोटिस का हवाला देते हुए कहा, कांग्रेस की अनुशासनात्मक कार्य समिति और पार्टी अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे ही इसका सही जवाब दे सकते हैं। और मामले में निर्णय लेने में प्रत्याशी आखिर विलंब क्यों कर रहे हैं और ये विलंब क्यों हो रहा है नहीं पता। उन्होंने पहले भी दिए इंटरव्यू में कहा कि विधायक दल की बैठक 25 सितंबर को बुलाई गई और ये बैठक नहीं हो सकी। बैठक में जो भी होता है वो एक अलग मुद्दा था, लेकिन ये बैठक हो ही नहीं पाई। और उन्होंने कहा कि जो लोग बैठक नहीं होने के लिए समांतरण बैठक बुलाए थे उनका कहना है कि इसका कोई जिम्मेदार नहीं, प्रथम दृष्टिए और अनुशासन इनके लिए नोटिस दिए थे लेकिन इसका कोई विचार नहीं निकला। तो सचिन पायलट सभी जनता भरी बातें यहाँ पर कह डालते हैं, जो कि उनके लिए अच्छा है और उन्होंने पीएम को भी पत्र लिख दिया। तो इसके लिए आपके क्या सवाल हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर करें।